देखिए, अभी हम लोग यहां पर देखते हैं, है ना, मेजरिंग स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ, है ना। तो देखिए, पहले हम लोग यूनिट्स ऑफ लीनियर मेजरमेंट के बारे में जान लेते हैं। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या होता है? तो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के आधार पर लंबाई की आधार इकाई क्या है? सबसे पहले आप लोग एक चीज समझिए, ये मैं नोट करके लिख दे रहा हूं, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय ठीक है, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के आधार पर, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के आधार पर, ठीक है, जो लंबाई की इकाई है, जो लंबाई की इकाई है, ठीक है, वो क्या है? वो मीटर है ना। लंबाई की जो आधारभूत इकाई है ना, लंबाई की जो इकाई है वो क्या है? मीटर है। लंबाई की इकाई क्या है? मीटर है, ठीक है। यहीं से जो ये हमारा जो मीटर है ना, इसी से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। जो मीटर है, इसके मल्टीपल जो गुणक है ना, मल्टीपल्स हैं, वो मैं आपको समझा देता हूं। इसके जो मल्टीपल्स हैं, जैसे हमारा 1 मीटर बराबर, 1 मीटर बराबर क्या होता है, कभी पूछ लेता है एग्जाम में। फिर पूछ लेता है 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, ठीक है, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, ये पूछ लेता है। कभी पूछ लेता है कि 1 मिलीमीटर में कितने माइक्रोमीटर होते हैं, है ना, 1 मिलीमीटर में, ठीक है, कितने माइक्रोमीटर होते हैं, कितने माइक्रोमीटर होते हैं, ये पूछ लेता है। 1 सेंटीमीटर में क्या पूछ लेता है कि कितने मिलीमीटर होते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, है ना, मिलीमीटर। और यहां पर 1 मीटर में क्या पूछ रहा है, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, है ना, यहां पर भी मिलीमीटर पूछ रहा है, ठीक है। अब यहां से देखो, क्वेश्चन बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, ठीक है। 1 माइक्रोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। अब यहां पर 1 माइक्रोमीटर पर आ गया है, ठीक है, 1 माइक्रोमीटर में कितने आपके वो होते हैं, कितने मिलीमीटर होते हैं, है ना, एमएम लिख देता हूं डायरेक्ट, ठीक है। तो ये चीज आपने यहां पर समझ ली, है ना। अब देखिए, सबसे पहली चीज देखेंगे तो 1 मीटर में कितने होते हैं, 1000 मिलीमीटर होते हैं, कितने होते हैं, 1000 मिलीमीटर। पहला क्वेश्चन आपका यहां से बन गया, एक नंबर हमने यहां से हासिल कर लिया, अगर ये हमने पढ़ लिया तो पेपर में, ठीक है। दूसरी चीज, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 10 मिलीमीटर होते हैं, दूसरा नंबर हमने यहां से कर लिया, अगर हम ये पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में, ठीक है। तीसरा चीज क्या पूछ रहा है, 1 मिलीमीटर में कितने माइक्रोमीटर होते हैं, तो 1 मिलीमीटर में जो माइक्रोमीटर होते हैं वो होते हैं आपके 1000, ठीक है। तीसरा नंबर आप यहां से ला सकते हो पेपर में, एक क्वेश्चन एक नंबर, ठीक है। इसके बाद 1 माइक्रोमीटर में कितने एमएम होते हैं, तो आप लोग आप बता सकते हो, 1 माइक्रोमीटर में 0.01 mm होते हैं, है ना, कितने, 0.01 mm होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमारे जो मीटर है उसके मल्टीपल्स हैं, मीटर है उसके क्या हैं, ये मल्टीपल्स हैं, क्या हैं, ये जो हमारा मीटर है उसके मल्टीपल्स हैं, ये हमें याद रखना है पेपर में, ठीक है ना। तो यहां से हमारे क्वेश्चन कितने बन गए, यहां से हमारे 4 क्वेश्चन बन गए पेपर में, कितने, 4। अब हम लोग बोलते हैं कि सर कहाँ से उठा के पेपर में दे दिया, अरे कहीं से नहीं दिया है, जहां से आप लोग पढ़ते हैं, है ना, किताब से, वहीं से उठा के पेपर में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो आपको वही सॉल्व करना है ना, क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट। ये जो आपका लीनियर
है ना, मेजरमेंट है, लीनियर मेजरमेंट है ना, यूनिट्स ऑफ लीनियर मेजरमेंट, ये हमने आपका क्लियर कर दिया है। ठीक है, अब हम दूसरा टॉपिक पर चल रहे हैं जिसका है ना, जो हमने आपको बताया था। दूसरा टॉपिक क्या है, मेजरिंग स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ, मेजरिंग स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ। ठीक है, यानी कि जो लंबाई मापने के मानक, लंबाई है ना मापने के मानक, ठीक है, कौन से है ना, यहां पर देखिए लंबाई है आपकी मापने के मानक, है ना, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं, मेजरिंग स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ। अब आपने देखा होगा कहीं पर जब क्वेश्चन हमारा पूछता है कि 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है, क्वेश्चन क्या होता है, 1 माइक्रोन है ना, कलर शायद दूसरा ले लिया है, 1 माइक्रोन बराबर, ठीक है, 1 माइक्रोन बराबर है ना कितने एमएम होते हैं, ये क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, ये 1 माइक्रोन बराबर कितने एमएम होते हैं, तो हमको बता देना सीधा सीधा, 1 माइक्रोन में 0.001 mm होता है, कितना होता है, 0.001 mm, ठीक है, कितना होता है 1 माइक्रोन में, 0.001 mm, ठीक है। आप देखिए यहां पर 1 सेंटीमीटर, नहीं सॉरी, 1 मिलीमीटर में कितने माइक्रोन होते हैं, अब ये पूछ रहा है। दूसरा जो क्वेश्चन पूछेगा, एक है ना, 1 मिलीमीटर में कितने माइक्रोन होते हैं, 1 मिलीमीटर है आपके पास, इसमें कितने माइक्रोन होते हैं, ठीक है, कितने माइक्रोमीटर होते हैं, है ना, ये आपका माइक्रोमीटर का, माइक्रोन का सिंबल है ये, ठीक है ना, माइक्रोन का है, कितने माइक्रोन होते हैं। ठीक है, तो एक जो मिलीमीटर है उसमें कितने माइक्रोन वो होंगे, ठीक है, तो 1000 होंगे, 1000, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका कहाँ से आ गया, यहां से आ गया, ऐसे ही क्वेश्चन जो बैठा रहता है ना क्वेश्चन बनाने के लिए, वो ऐसे ही बनाता है क्वेश्चन, कहीं अलग से क्वेश्चन आपके नहीं आते हैं। 1 सेंटीमीटर में कितने एमएम होते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने एमएम होते हैं, ठीक है, ये पूछ लेगा आपसे, है ना, और 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 डेसीमीटर, ठीक है, 1 डेसीमीटर में कितने क्या होते हैं, कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये पूछ लिया। अब बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, है ना, तो यहां पर देखिए 1 सेंटीमीटर में क्या होता है, 10 mm होते हैं, 1 डेसीमीटर में कितने होते हैं, तो उसमें 10, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर होते हैं, हाँ 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 मीटर बराबर कितने डेसीमीटर होते हैं, 1 मीटर है ना बराबर कितने डेसीमीटर होते हैं, है ना, ठीक है, 1 मीटर बराबर कितने डेसीमीटर होते हैं, है ना, तो ये देखिए 1 मीटर बराबर आपके 10 डेसीमीटर होते हैं, ये आपको याद रखना है ना, 1 मीटर में कितने, 1 डेकामीटर बराबर कितने मीटर होते हैं, ठीक है, यहां पर देखिए 1 डेकामीटर बराबर कितने कितने मीटर होंगे, कितने मीटर होंगे आपके, कितने होंगे, 10 होंगे, ठीक है, 10 मीटर हो जाएंगे, हो गया क्लियर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये मेजरमेंट स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ, ठीक है, ये किस पद्धति में है, ये आपका मीट्रिक पद्धति में है, ये किस पद्धति में है, ये है आपका मीट्रिक पद्धति में, है ना, इसके स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, अब हम सेम चीज,
अब हम ब्रिटिश पद्धति में जा रहे हैं, इसके बाद हम लोग ब्रिटिश पद्धति पढ़ेंगे, ठीक है। ब्रिटिश पद्धति में ठीक है, ब्रिटिश अंग्रेजी इकाई में ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ब्रिटिश पद्धति में पढ़ेंगे, ब्रिटिश पद्धति में ठीक है। ब्रिटिश पद्धति में एक इंच का हजारवां भाग क्या हो गया, यहां पर देखेंगे हम लोग ब्रिटिश पद्धति में पढ़ते हैं तो एक इंच है ना का हजारवां भाग, हजारवां भाग ठीक है, कितना होगा बताइए कमेंट के माध्यम से बताइए ठीक है। एक इंच का जब हम हजारवां भाग करेंगे ठीक है, तो एक इंच का हजारवां भाग क्या होगा, 0.001 इंच होगा। ये सिंबल इंच का है, दो जो मिनट्स टाइप के बने होते हैं ना, दो जो सिंबल, दो जो डंडे बने होते हैं, वो आपका काय का होता है सिंबल, वो इंच का होता है ठीक है, वो इंच का सिंबल होता है ठीक है। एक इंच का हजारवां भाग, अब एक इंच में एक इंच बराबर क्या होता है, तो एक इंच बराबर एक इंच होगा है ना, या 25.4 mm होगा ठीक है। यहां पर देखेंगे एक इंच बराबर तो mm एक इंच में क्या होगा, अभी हम ब्रिटिश ब्रिटिश की बात कर रहे हैं तो हम लोग है ना, ब्रिटिश की बात कर रहे हैं तो हम लोग मेट्रिक में नहीं जाएंगे अभी ठीक है। यहां पर अभी हम ब्रिटिश की बात कर रहे हैं तो एक इंच बराबर क्या होगा, तो एक इंच बराबर एक इंच ही होगा आपका है ना। एक फुट बराबर क्या होगा, 12 इंच होगा। अभी देखिए एक फुट, एक फुट, एक फिट बराबर क्या होगा, तो 12 इंच हो जाएगा। एक फुट बराबर क्या हो गया है ना, एक फुट बराबर आपका क्या हो गया, एक फुट बराबर क्या हो गया, एक फुट बराबर आपका 12 इंच हो गया। एक फुट बराबर क्या हो गया, 12 इंच हो जाएगा है ना। और यहां पर इसके बाद एक फुट के बाद में एक यार्ड बराबर, एक यार्ड है ना, एक यार्ड बराबर क्या हो जाएगा, एक यार्ड बराबर आपका 3 फुट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 फुट हो जाएगा ठीक है, एक यार्ड बराबर 3 फिट हो जाएगा। इसके बाद देखिए एक फलांग, एक फलांग बराबर 220 यार्ड हो जाता है। यहां पर देखेंगे एक फलांग बोलते हैं, एक फलांग बराबर क्या हो जाएगा, 220 क्या हो गया, यार्ड हो गया। यार्ड को YDS से दर्शाते हैं ना, 220 यार्ड हो जा, यार्ड्स हो जाएगा, 220 यार्ड्स है ना, YD से दर्शाते हैं यार्ड को, 220 यार्ड्स हो जाएगा ठीक है। और एक मील बराबर क्या हो जाएगा, 8 फुरलॉन्ग हो जाएगा, एक मील बराबर ठीक है, एक मील है ना बराबर क्या हो जाएगा, 8 फलांग ठीक है, एक मील बराबर क्या हो गया, 8 फलांग हो गया, क्लियर है। तो यहां से हमने ये ब्रिटिश सिस्टम को समझ लिया ठीक है, यहां से क्या समझ लिया हमने, एक ब्रिटिश सिस्टम को समझ लिया कि जो हमारे यूनिट्स होते हैं मेजरमेंट के, वो मेजरमेंट के जो यूनिट्स होते हैं मीट्रिक में क्या होते हैं और ब्रिटिश में क्या होते हैं, क्लियर है। चलिए ठीक है, इसके बाद है ना, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर है ना, नेक्स्ट चैप्टर में ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखिए नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग एंगल के मापन पढ़ लेंगे, कोणीय मापन पढ़ लेंगे ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कोणीय ठीक है, कोणीय माप ठीक है, कोणीय माप समझ लेते हैं ठीक है। अभी हमने कोणीय माप यहां पर
लिख लिया है। ठीक है, कोणीय माप क्या होता है? किसी वस्तु के कोणों को मापने का सामान्य स्वरूप से डिग्री, मिनट आदि सेकंड में व्यक्त किया जाता हो। ठीक है, किसी वस्तु के जो कोणों का जो मापन है वो सामान्य रूप से या तो हम डिग्री में व्यक्त कर दें, है ना, या फिर मिनट में व्यक्त कर दें, या फिर काय में कर दें व्यक्त, सेकंड में कर दें, तो वो हमारा कोणीय माप कहलाता है। एक डिग्री में जैसे जैसे आप तो समझ लीजिए, यहां पर लिखा है एक डिग्री मैंने लिखा, दूसरा मैं लिख देता हूं एक मिनट, ठीक है, एक मिनट लिख दिया। अब हम लोग समझ लेते हैं, सिंपल सी भाषा में हम लोग ये चीज को समझते हैं। एक डिग्री में क्या होता है? तो 60 मिनट होते हैं। क्या हो गया? 60 मिनट हो गया। ठीक है, मिनट को हम लोग सिंबल ऐसा एक चिन्ह लगा देते हैं तो वो मिनट हो जाता है। ठीक है, है ना, एक सिंबल ये हो गया मिनट का। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो एक मिनट में हमारे 60 सेकंड हो जाते हैं। ठीक है, एक मिनट में 60 सेकंड होगा। सेकंड के लिए जो चिन्ह होता है, ऐसे दो चिन्ह लगा दो तो सेकंड हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हमने तीनों मेजरमेंट यहां से पढ़ ली आपकी। देखो मीट्रिक इकाई, मीट्रिक सिस्टम में पढ़ लिया हमने, ब्रिटिश सिस्टम में पढ़ लिया यूनिट। ठीक है, तो ये चीज आपकी कहीं ना कहीं आपको पेपर में देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इन चीजों को ठीक तरीके से पढ़ सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जब भी हम लोग नई वीडियो लाएंगे या फिर लाइव आएंगे तो आपको ये नोटिफिकेशन एक पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए, है ना, अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम पढ़ लेते हैं स्टीर रूल। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, स्टीर रूल को पढ़ते हैं, है ना, स्टीर रूल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें, एंड्रॉइड एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें। ठीक है, और वहां से आप फ्री टेस्ट दे सकते हैं, कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई ज्यादा फीस हम लोग नहीं रखते हैं, एक नॉर्मल फीस में आप लोग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो एप्लीकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए,